दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वृषभ राशि की तीन ऐसी कमजोरियां बताएंगे, उन कमजोरियों को अगर दूर कर लेते हैं तो ज़िंदगी में सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कठिनाइयां आपके जीवन में आई हैं और आ रही हैं, तो इन कमजोरियों को जैसे ही आप अपनी ताकत बनाएंगे, वैसे ही अपने जीवन की सारी परेशानियों का हल स्वयं पाते चले जाएंगे। वृषभ राशि वालों, आपकी उन तीन कमजोरियों को जानेंगे, उससे पहले आपको याद दिला दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब जानते हैं वृषभ राशि, आपकी तीन कमजोरियां, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपके स्वभाव। आपका स्वभाव बहुत ही चतुर चालाक रहता है। आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। अगर किसी कार्य को आपने जिम्मेदारी ले ली या किसी लक्ष्य को आपने ठान लिया तो उसे पूरा करने तक आप डटे रहते हैं, दिन रात मेहनत करने वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सफलता ना पाना आपके अंदर एक कमी को भी दर्शाता है कि आप अपनी कमियां ना देखकर दूसरों की कमियां निकालते हैं। ये तो आपके स्वभाव की बातें हैं। चालाक आप स्वयं बहुत हैं, लेकिन वो चालाकी आप पर ही भारी पड़ जाती है कई बार। जीवन में अधिक चतुर चालाक बनना भी नुकसान दे जाता है आपको। अब जानते हैं दोस्तों आपकी वृषभ राशि वालों की तीन कमजोरियां क्या हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है आलस्य। कहते हैं आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपुः, यानी कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस आलस्य को आप त्याग दीजिए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी कमजोरी है अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं होती जीवन में। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति हमेशा निषेध माना गया है। किसी भी चीज़ में अति हो जाए तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। तो अति आत्मविश्वास को भी त्यागना होगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास रहता है कि मैं एक मेरे से नहीं होगा, मेरे से ज़रूर होगा, मैं ही कर पाऊँगा, इसे दूसरे के बस का नहीं है। और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आगे आप अपना नतीजा देख लेते हैं कि नहीं, आपको दिख रहा होता है लेकिन नहीं मानते हैं। अब तीसरी जो कमजोरी है वो है हकीकत को ना मानना, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। क्यों, ये आप स्वयं जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में लेवल आपका क्या है, लेकिन आप उस लेवल को अपने अंदर नहीं देखते। उसकी जो चाल चलन के तरीके होते हैं, आप अगर अपने क्षेत्र में उच्च लेवल के नहीं हैं, निम्न लेवल के हैं, तो उसमें आपको उस तरीके से जीवन जीना चाहिए जैसे उस लेवल के व्यक्ति जीते हैं। लेकिन आपकी यही एक कमजोरी है कि आप हकीकत तो नहीं मानते हैं, और हकीकत को ना मानने के चलते आप वो बनते हैं, उस तरीके का रवैया अपने जीवन में अपना लेते हैं जो आप हैं नहीं। और उस तरीके का रवैया अपना लिया तो साधारण सी बात है, अपने आप में गुमान घमंड की स्थितियां बन जाएंगी, और हम उन लोगों से जो हमारे लेवल के हैं उनसे हम बात करना पसंद नहीं करेंगे, उनसे हम अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, केवल इस भ्रम में रह करके कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ। इस भ्रम में ही रह करके ये कमजोरी जो आपके अंदर की है या आपके जीवन में, वो आपके छोटे छोटे कार्य भी बनते नहीं हैं, केवल इस वजह से क्योंकि आप अपने लेवल के व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि आप उसी लेवल के हैं जिनसे आप बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये है आपकी तीन कमजोरियाँ, आलस्य, अति आत्मविश्वास और हकीकत को ना मानना।
इन तीनों को दूर करिए, ये बड़ी कमजोरियां आपके जीवन में असफलताएं दिखाती रहती हैं आपको। अगर इन्हें दूर करेंगे तो निस्संदेह आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, आप जीवन में सारी सफलताएं पाते चले जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।